मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक नाबालिग छात्रा की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आरोपी छात्रा का रिश्ते में चाचा ही निकला, जिसने एक तरफा प्यार में रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 10 दिन के अंदर हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा 19 अक्टूबर को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, इसके बाद गायब हो गई थी। 4 दिन बाद उसका शव मिला था। भिंड जिले की उमरी में 19 अक्टूबर को रामगढ़ गांव की रहने वाली एक नाबालिग दलित छात्रा अचानक गायब हो गई। परिजनों ने पुलिस से शिकायत के बावजूद इसके उसका कुछ भी पता नहीं चला। 4 दिन बाद 23 अक्टूबर को उसका शव खेत में पड़ा मिला। इसके बाद मृतका के आक्रोशित परिजन ने उमरी में चक्का जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम डीएसपी समेत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे थे और परिजन को कार्रवाई का आश्वासन दिया था। चूंकि हत्या के साथ रेप का भी मामला था, ऐसे में इस केस पर चंबल आईजी डीआईजी तक की नजरों में था। हालांकि कड़ी मशक्कत कर पुलिस ने 10 दिन में आरोपी का पता लगाकर उसकी गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग की हत्या कर बात कबूल की है। और अगले दिन जब इसकी घर वाले तलाश करने वाले थे तो साइकिल मिलने के बाद ये थोड़ा घबरा गया और इसने अगले दिन सुबह जाकर जो बैग है वो घटनास्थल से हटा के जहाँ पे बाद में मिला था वहाँ पे इसने उसी दिन सुबह इसको फेंका। तो जितने इसकी बात थी, जितने इसने बताया, वो इसके जितने भी साक्ष्य संभावित थे जो मौके से हमें प्राप्त हुए या अन्य जो भी थे लोगों के द्वारा पूछताछ करने पर, उससे इसकी बताई हुई घटना की जो पुष्टि है वो हुई और उसके उपरांत हमने इसको गिरफ्तार किया।